संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के एजेंडे में 45 विधेयक हैं जिन्हें पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर भी संसद में चर्चा की जाएगी। संसद का बजट सत्र सबसे लंबा और वित्तीय कामकाज के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर खास चर्चा होगी, साथ ही कई अहम मुद्दे भी उठेंगे। इस सत्र में सरकार के एजेंडे में 45 विधेयक हैं, 7 वित्तीय विधेयक और 2 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर उच्च सदन में चर्चा 3 से 5 फरवरी 2020 के दौरान होगी। उच्च सदन में 6 से 11 फरवरी के बीच केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जबकि चुनिंदा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा 3 से 11 मार्च के बीच 4 दिनों में होगी। उच्च सदन 2020-21 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार पर लौटाएगा। इसी तरह 2019-20 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी 16 मार्च तक लौटाया जाना है। वित्त विधेयक 2020 पर विचार और चर्चा के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है। 23 मार्च को जम्मू कश्मीर से संबंधित मांगों पर विचार करके वापस किया जाएगा, जबकि 26 मार्च को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार कर उसे वापस लौटाना होगा। सरकार बजट सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों के भविष्य का फैसला सदन में करना चाहती है। इसमें कुछ विधेयक लंबे समय से आकार लेने की बात जो रहे हैं। उच्च सदन में इस समय 32 विधेयक लंबित हैं, जबकि लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा में लंबित महत्वपूर्ण बिलों की बात करें तो उनमें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, डैम सेफ्टी बिल 2019, सिनेमेटोग्राफ्स संशोधन बिल 2019 और रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल 2013 शामिल हैं। वहीं लोकसभा में लंबित बिलों में डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019 शामिल हैं। पिछले 2 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी मसलों समेत सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कामकाज हुआ। सरकार चाहती है कि बजट सत्र में वही रफ्तार कायम रहे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।